मौका दिवाली का है जी जी। दिवाली को लक्ष्मी पूजन की जाती है। लक्ष्मी पूजन का तात्पर्य यह है कि सुख समृद्धि की, सुख समृद्धि के लिए हनुमान जी भी सब देने वाले जी हैं जी जी। तो इस कामना के तहत अगर कोई हनुमान जी की आराधना करना चाहता है उसे दिवाली के दिन, दिवाली के दिन, तो अहले सुबह उसे कुछ विशेष उपाय। एक तो है कि जो रेगुलर जो हमारी नियमित दिनचर्या है पूजा की, जिस प्रकार से भक्तजन करते हैं, जिन्होंने अपना बना रखा है, उस दिन कुछ विशेष आप अगर बताना चाहें कि ये तो आप काम कीजिए और उसके बाद तो फिर देखिए हनुमान जी कृपा तो बरसती ही है। जी जी। ऐसा है कि जैसे कोई विशेष कामना के लिए है तो उस दिन जैसे दीपावली है तो ऐसे दीप दान करने का भी महत्व होता है। अच्छा। तो हनुमान जी को भी दीप दान दिया जाता है, मतलब जैसे दीप जला करके। तो कार्तिक के महीने में ऐसे पहले दिन एक दीपक, फिर दूसरे दिन से बढ़ते क्रम में उस क्रम को बढ़ाते हैं, बढ़ाते रहना चाहिए। इस तरह से दीपावली के पर्व पर 15 दीप हनुमान जी महाराज को 15 दिए हनुमान जी के सामने जलाएं, या तो घी के साथ, या कि सरसों के तेल के साथ, या कि चमेली के तेल के साथ भी जला सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी मनोकामना के साथ, और दूसरी है कि जैसे कोई विशेष उनको मनोकामना है, जैसे किसी को धन चाहिए, जाहिर सी बात है दिवाली है, जी जी जी। पूजा लक्ष्मी जी की होगी, तो किसी को रिद्धि सिद्धि चाहिए, धन चाहिए, जी जी, तो उसके लिए हनुमान जी की विशेष आराधना है। जैसे पीपल का पत्ता है तो पीपल के पत्ते में राम राम लिख करके और हनुमान जी को माला के रूप में भेंट समर्पित करना चाहिए, और फिर हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना आपके द्वारा मुझे प्राप्त हो, और हमारे जो संकट हैं तो संकट दूर हो, और हमारे घर में धन धान की वृद्धि हो, लक्ष्मी की प्राप्त हो। तो ये हनुमान जी महाराज की स्तुति से, प्रार्थना से, या राम नाम के संकीर्तन से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसको धन धान से उसको परिपूर्ण कर देते हैं, क्योंकि वो तो अष्ट सिद्ध के नवनिध के दाता ही है। तो सभी मनोकामनाएं भगवान दीपावली के दिन उनको भक्तों की, यानी सुबह भगवान हनुमान जी को इस विशेष कामना के, विशेष कामना उनसे प्रार्थना कर, प्रार्थना करनी चाहिए। और कई सारे कार्यक्रमों में पंडित जी ने बताया भी है कि हाथ में जल लेकर संकल्प ले लीजिए और आप कहिए कि हे प्रभु मुझे, हाँ हमारी मनोकामना ये है, हम इस मनोकामना के लिए आपके लिए आराधना कर रहे हैं, आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, एक बार, तीन बार, या 11 बार, या 108 बार, और ऐसे भी जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई, तो जो हनुमान जी का एक आसन पर बैठ करके 100 बार हनुमान जी का आराधना करता है, पाठ करता है, हनुमान जी उसके सभी मनोकामनाओं को जी जी। और विशेष दिन है चूंकि दिवाली का, दिवाली का जाहिर सी बात है कि ये जो फल है जी जी, कई गुणा बढ़ जाता है। तो उस दिन जो हनुमान जी की आराधना या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी उनके ऊपर प्रसन्न होंगे और हनुमान जी उनके मनोवांछित फल। अच्छा पंडित जी, अब ये भी जिज्ञासाएं लोगों की रहती है कि शाम के वक्त, जिस वक्त हम लोग वैसे तो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा प्रार्थना की जाती है, लेकिन कोई हनुमान जी का साधक भी हो उस वक्त भी वो प्रार्थना करना चाहता हो, तो क्या उसी क्रम को दोहराए, वो किस प्रकार से वहाँ फिर लक्ष्मी जी की पहले आराधना जी? हाँ, स्तुति हमारे वेदों में भी देवताओं की अनेक प्रकार की स्तुतियाँ, मतलब प्रभु का गुणगान किया जी जी, प्रभु का गुणगान किया गया है। उसी तरह से हनुमान जी के जो भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, या हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, और उस प्रार्थना से ही हनुमान जी महाराज संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने भक्तों को वो मनचाहा वरदान देते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जी जी, महालक्ष्मी की आराधना के बाद, गणेश जी की पूजन के बाद आप हनुमान जी का भी शाम के वक्त, जैसे हम गणेश जी की आराधना करते हैं और लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं और अंत में भी करते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी माता, मेरे द्वारा, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा, या मेरी सामग्री के द्वारा, मेरी पूजा पाठ में जो कुछ भी कमी रह गई हो उसे अपना भक्त मान करके मुझे क्षमा करेंगे, और मन से, वाणी से, कर्म से जो कुछ भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें और हमारी मनोकामना पूर्ण हो, तो माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश उनके ऊपर कृपा की वर्षा करते हैं। और कहा भी जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरौ यत पूजितम मया देवौ परिपूर्णम तदस्तुमें। मेरे द्वारा जो कुछ भी पूजा पाठ सामग्री के द्वारा किया गया और उसमें यदि कमी रह गई हो, अपना भक्त मान करके हमें क्षमा करेंगे और मुझे मन चाही वरदान, या मेरे जो कष्ट हैं उसको दूर करेंगे, ऐसा स्तुति प्रार्थना
की जाती है, तो जैसे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, वैसे ही हनुमान जी महाराज से भी क्षमा याचना की जाती है। और ये पुराणों में हमारे वेदों में भी वैदिक पूजा में विधान ही है, कितना भी बड़ा यज्ञ हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, लेकिन अंत में हमेशा क्षमा प्रार्थना का विधान बताया ही गया है। तो क्षमा प्रार्थना के द्वारा जो भी हमारी पूजा पाठ में क्रम में जो गलतियां हो जाती हैं, उससे हमारी परिपूर्णता जी की प्राप्ति होती है। और वैसे भी देखिए, हम लोग जो चर्चा करते हैं पंडित जी से, उसमें कई बार चर्चा हो गई है कि हनुमान जी की चर्चा पूजा से सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा मुझे कहीं देखने को मिला था कि आमतौर पे भारत में जो तीन पद्धतियां प्रचलित हैं, वैष्णव है, शैव है और शाक्त है। वैष्णव जो कि भगवान विष्णु के समस्त उपासक होते हैं, शैव जो भगवान शिव के, और शाक्त मतलब जो देवी की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना। तो हनुमान जी की आराधना से इन तीनों जो आराधक अलग अलग हैं वो समस्त शक्ति इसमें निहित हो जाते हैं। जी जी जी, यानी वैष्णव भी, शैव भी और शाक्त। जी जी, क्योंकि साक्षात रुद्रा अवतार ही है और उधर राम, उधर वैष्णव यानी भगवान विष्णु के अवतार राम जी है, तो उनके भी इष्ट है, और इधर माता जी सीता जी का प्रदान उनको प्राप्त है। तो माने इन तीनों की जैसा आपने कहा, तो शाक्त और वैष्णव और शैव, इनकी तीनों की आराधना एक साथ हनुमान जी के साथ पूरी हो जाती है। जी हाँ जी, इसीलिए अन्य मतलब कि देवता चित्त और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे।